अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं कराची स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए, एक चिकन लिया है मैंने, उसके अलावा नमक, रेड चिलीज़, ज़ीरा, हल्दी, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, कुटा हुआ अदरक और लहसुन, एक कप दही, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और टमाटर। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ज़ैचुज़ू, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दी है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अभी भूनेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम हमने तेज रखनी है। चिकन को भूनने के बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। चिकन को नमक के साथ भूनने के बाद अब हम इसमें कुटी हुई अदरक और लहसुन को भी साथ भून लेंगे। अच्छी तरह से चिकन को भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, लेकिन सिर्फ गरम मसाला नहीं छोड़ देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें दही डालेंगे, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल भी पूरी रेसिपी में नहीं स्लो करनी, हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। दही मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, अब जब थोड़ी देर तक हम इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे इसके बाद। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब, हमारे चिकन ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और ये हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब फाइनली हम इसे मिक्स कर देंगे। तो जनाब, हमारी कराची स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है, बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू द चैनल बाय टर्निंग द रेड सब्सक्राइब बटन ब्लैक, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे पहले चैनल नाज़ आर्ट गालो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।